खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। संजय निरुपम से बात की है मेरे सहयोगी ने। संजय निरुपम ही थे जो कह रहे थे 4 सीटें कांग्रेस की आएगी, बाकी सब पे जमानत जब्त हो जाएगी। निश्चित तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन हम एक सशक्त विपक्ष और विकल्प के तौर पर उभर कर नहीं आ पा रहे और इसमें कमी हमारी है। यह हमारी जवाबदारी थी कि जब लोग शिवसेना बीजेपी से या हरियाणा में सिर्फ बीजेपी से जब लोग त्रस्त हो चुके हैं तब हम पूरी ताकत के साथ पूरी ऊर्जा के साथ उतरते और लोगों का विश्वास जीतते। लेकिन दुर्भाग्यवश हरियाणा की बात में उतना नहीं कहूंगा, खासकर मुंबई और महाराष्ट्र की बात में अवश्य कहूंगा कि पूरे प्रचार में एक लचर सी व्यवस्था थी, एकता की एकदम सख्त कमी थी। जो प्रचार होना चाहिए, जिस तरह से मुद्दे लोगों के बीच जाना चाहिए, वो सब नहीं था। पूरे चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के नाम तय करने से लेकर के आखिरकार जो चुनाव के मुद्दे लोगों के समक्ष रखते हैं उसमें कहीं से भी सबको लेकर बैठकर चर्चा करने और उसको आर्टिकुलेट करने का जो एक काम होता है उसमें पार्टी ने कोई एक गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका नतीजा सामने। आपने 20 दिन पहले कहा था कि आज 24 तारीख को जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे तो आप अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। आप कांग्रेस में इस वक्त हैं, क्या स्थिति में है, पोजीशन क्या है? हाँ, अभी तक कांग्रेस पार्टी में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं चाहता हूं कि मैं जो शिकायतें कर रहा हूं, मैं जो बातें रख रहा हूं, उन बातों को गंभीरता से ले। मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशनल एक मेसअप हुआ पड़ा पूरे संगठन में। ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सिस्टम है पिछले कई दशक से चल रहा है, अब समय आ गया है कि उसमें बदलाव किया जाए, उसमें एक रिफॉर्म लाया जाए। जो आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो एक मतभेद है, जो कंफ्यूजन है पार्टी के अप्रोच में, उसको ठीक किया जाए, क्योंकि लोगों को क्लैरिटी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के अंदर जमीन से जुड़े लोगों का महत्व बढ़ना चाहिए। सिर्फ जो आजू बाजू घूमने वाले लोग हैं उन लोगों से निजात पाना पड़ेगा, वरना और हमारा नुकसान हो सकता है। जहां तक मेरी बात है, अभी मैं हूं और मैं चाहता हूं कि पार्टी हमारी बातों को सुने। इसके लिए इंतजार करने की एक मर्यादा है, एक सीमा है। वो सीमा क्या है, वो मर्यादा क्या है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी मैं हूं और अभी छोड़ने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए, अभी संजय निरुपम की स्थिति वो है कि वो खुश हों के दुखी हों, वो खुश ज्यादा होते अगर कांग्रेस को कम सीटें मिलती। अभी वो दुखी इसलिए है क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वो हो नहीं पाया, तो ये स्थिति बड़ी पसोपेश वाली है।